मन को भाव विभोर कर देने वाली शीतल वे मंद मंद सुगंध ने बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। सौंप की फसल को देखकर दृष्टि जहाँ टिकी वहीं स्थिर हो गई और मैं पहुंच गया अद्भुत शीतलता वे सुगंध से भरे सौंप के खेत में। फसल के बीच पहुंचते ही कदम ठिटक गए मेरे, क्योंकि यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में मधुमक्खियाँ वे जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे यहाँ पर हो सकते हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित थे। और सौंप के फूलों की कोमलता मधुरता शीतलता वे सुगंध का रसपान कर रहे थे। कीड़े मकोड़ों के शोर वे पक्षियों के कलरव को आप थोड़ा सा महसूस करें। यह दृश्य नागौर जिले की डेगाना तहसील का है। यहाँ पर इस खेत में सौंप के पौधे की हाइट 4 से 5 फीट तक है। कई पौधे 6 फीट तक सिर उठाए खड़े हैं। प्रकृति के इतने मनोरम दृश्य वे संगीत को आज मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया है। सौंप के दाने गुच्छों में लगते हैं। एक बड़े गुच्छे में 20-21 छोटे गुच्छे होते हैं। प्रत्येक छोटे गुच्छे में सौंप के 20-21 दाने सजे होते हैं। इस प्रकार एक बड़े गुच्छे में सौंप के लगभग 400 दाने लगते हैं और एक पौधे से 50 से 100 ग्राम तक सौंप प्राप्त होती है। सौंप के दाने आकार में छोटे वे हरे रंग के होते हैं। सौंप का उपयोग अचार बनाने, सब्जियों का स्वाद बढ़ाने, माउथ फ्रेशनर के रूप में वे औषधि बनाने में किया जाता है। सौंप के नियमित सेवन से त्रिदोष संतुलित होते हैं। सौंप के उत्पादन में भारत में गुजरात प्रथम वे राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। सौंप का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 15 से 25 क्विंटल तक होता है। राजस्थान में सौंप की खेती पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर वे नागौर आदि जिलों में की जाती है। सौंप को खरीफ वे रबी दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। पाली, जालौर व सिरोही जिलों में सौंप की खेती खरीफ की मुख्य फसल के रूप में की जाती है। उच्च गुणवत्ता की सौंप प्राप्त करने के लिए इन जिलों में सौंप के बड़े गुच्छों को हाथ से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है। रबी सीजन में बुआई करने पर सौंप की फसल अप्रैल के अंत तक पकती है। फसल के देर से पकने के सुरक्षा आदि कारणों से कम ही किसान सौंप की खेती करते हैं। सौंप की खेती राजस्थान के सभी जिलों में की जा सकती है। गुणवत्ता के आधार पर सौंप के भाव 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहते हैं, जिससे सौंप की खेती से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो राजस्थान की कृषि वे बागवानी से संबंधित प्रामाणिक वीडियो प्राप्त करने के लिए ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।